इन्ना बढ़िया मौसम। ओए होए मजा आ गया। वेलकम बैक टू योर चैनल कोली ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम घूमने जा रहे हैं, एंड कहाँ जा रहे हैं वो तो खैर आपको तब पता चलेगा जब हम पहुंच जाएंगे वहां पे। इट्स अ सरप्राइज। इस बार हम रोड ट्रिप नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर बार वही करते हैं, और इस बार सबका मन भी नहीं था रोड गाड़ी पे जाने का, तो हमने कहा ट्रेन में चल लेंगे। तो अब ट्रेन में जा रहे हैं। बहुत टाइम बाद ट्रेन का ऐसा सफर होने वाला है, तो मजा आएगा। तो मिलते हैं कल सुबह। लेट्स सी, हैप्पी जर्नी टू मी। तो गाइज, हमने अभी हम सामान रखने वाले हैं टैक्सी में। टैक्सी से हम जाएंगे स्टेशन। स्टेशन पे पूरी रात मस्ती करेंगे ट्रेन में। फिर उसके बाद हमने जाना है वहाँ पे, ट्रेन हमें पहुँचाएगी पठानकोट तक। उसके बाद हम जाएंगे टैक्सी में, फिर हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में, जो कि सरप्राइज है। स्टेशन और बस यहाँ से एंट्री है, और फिर पहुँचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं ट्रेन कितनी देर में आ रही है। क्या पता पहले से ही आई हो यहाँ पे। अभी ऐसे यहाँ पे सामान चेक करा लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। ये गाइस, हम लोग एंटर कर गए हैं यहाँ पे स्टेशन में। अब देखते हैं आगे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। ये पिद्दी सिंह। हेलो गाइस, हाँ गंदा है, बहुत स्मेल है यहाँ पे। ये गाइस, हमने जाना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हम अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो किसी को सीढ़ियों से जाने का मन नहीं है, तो लिफ्ट के यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जैसे लिफ्ट नीचे आएगी फिर ऊपर जाएंगे और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुँच के कंटिन्यू करते हैं। ये गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ट्रेन अभी आई नहीं है, तो जहां से हम लोग एंटर किए थे वहां से काफ़ी आगे जाके चल के है, तो सारे थक गए अभी यहीं पे ही। ट्रेन में जाके रिलैक्स करेंगे फिर मूड में आएंगे सारे के सारे। ये गाइस, ट्रेन आ गई है सराय रोहिला से पठानकोट तक। डायरेक्ट है ये ट्रेन। अब हम उतरेंगे पठानकोट, फिर वहाँ से आगे से टैक्सी करके जाएंगे। ये आ गई है ट्रेन हमारी। बस अब अपना बोगी ढूंढते हैं अपनी और फिर बैठते हैं अंदर। I'm going to go to the hospital.
गाइस, और थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने वाली है पठानकोट। बाहर मौसम देखो कितना अच्छा है यार, सारी रात बाहर बारिश होती रही है और अंदर एसी की वजह से सारी रात नींद नहीं आई हम लोगों को। इतना मज़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पे अभी हम लोग सुबह बाई 6 o'clock उठे हुए हैं, बैठे हैं आराम से, गप्पे छप्पे मार रहे हैं और बार बार इधर बाहर आ गया, मौसम इंजॉय कर रहे हैं। इतना बढ़िया मौसम है यहाँ पे, मज़ा आ गया यार अभी तक तो। तो गाइज़ ये हम पहुंच गए पठानकोट, अब बस आगे चलते हैं और टैक्सी हायर करते हैं, फिर देखते हैं आगे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कितनी देर लगती है। तो चलते हैं यहाँ से आगे, ये सामान सारा हमारा, और चलो। गाइज़ हम यहाँ से निकले हैं पठानकोट स्टेशन से, अब यहाँ पे हमने ये टेम्पो ट्रैवल बुक किया है और मैं आपको रिवील करता हूँ, हम लोग जा रहे हैं मकलोडगंज, धर्मशाला से थोड़ा सा ऊपर हम जा रहे हैं मकलोडगंज। तो अब हम सारे इकट्ठे जा रहे हैं इस टेम्पो ट्रैवल में, पूरा इंजॉय करके जाएंगे, मस्ती मार के। तो चलो चलते हैं हम आगे और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का वेदर कैसा है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए। ये गाइज़ हम बैठ गए टेम्पो ट्रैवल के अंदर, अब बस मस्ती का टाइम स्टार्ट और अब आएगा मज़ा, मस्त वाला मज़ा। तो गाइस यहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, पूरे रास्ते कोई ढाबा कोई होटल नहीं है यार, यहाँ पे पूरा हाल है, एक ये लगा है थोड़ा ढंग का, तो यहाँ रुके हम, अब खाते पीते हैं और आगे चलते हैं। ये गाइस हम पहुंच गए हैं मकलोडगंज, बस अभी हमने ये अपना टेम्पो ट्रैवलर लगाया यहाँ पे और अब सामान निकालते हैं और चलते हैं। ये हमारा होटल, इसके अंदर मौसम अच्छा है, इस टाइम भी ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। बादल आप ये देखो ऊपर कितना क्लीन है, दिल्ली में ऐसा कभी भी नहीं मिलता, किसी भी मौसम में नहीं मिलता। और इसके बाद हम लोग रेस्ट करते हैं चल के, पहले लंच करते हैं फिर रेस्ट करते हैं और उसके बाद हम घूमने जाते हैं। आज मॉल रोड ही घूमेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ अच्छी हैं खाने में, परचेज करने में और देखने में। अभी यहाँ पे ये वन वे है तो यहाँ पे इस वजह से जाम है, यहाँ पे बेकरीज़ कैफेज़ ये सब अच्छे अच्छे हैं और बाकी देखते हैं। यह है गाइज होटल हमारा, अभी बस रूम में चलते हैं फिर मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ, दिखा दूँ हमारा रूम कैसा है। ये रिसेप्शन है और ये सिटिंग एरिया यहाँ पे रिसेप्शन के पास। यह है गाइज हमारे रूम से व्यू, ये दूसरा रूम, हाँ, और वो आगे तीसरा रूम। ये देखो कितना मज़ा आएगा यहाँ पे, इतना अच्छा मौसम है, एक आसमान देखो कितना क्लियर है और ये व्यू देखो ये बैल्कनी से,
मजा 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 मजा। ओए होए इतना बढ़िया मौसम, ओए होए मजा आ गया। गाइस हम पहुंच गए हैं होटल में, लेट्स गिव यू अ रूम टूर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल घुसते यहाँ पे है वॉशरूम, थोड़ा छोटा है बट इट्स एक्चुअली क्वाइट क्लीन आई वुड से। ओके नाइस। ओए यू जीवी कहाँ से आ गई तू, तू कहाँ से आ गई? ओके देन नाउ वी एंटर, दिस इज द बेड विद ओनली 3-2 pillows। आई डोंट नो वेयर विल आई स्लीप, पता नहीं कहाँ। And that's me, शिवी बॉल अपनी यहाँ सजा के चली गई है। मैंने यहाँ पे अपने बैग बुक सजा दिए, वो पीछे वाला मम्मी का टैचियाँ टूचियाँ सब रख लिए हैं, टीवी सिचिंग एरिया। इट्स एक्चुअली क्वाइट आई वुड से एस्थेटिक, क्योंकि जो कलर स्कीम्स यूज कर रखी है ना, दे आर वेरी गुड। एंड द बेस्ट पार्ट इज अबाउट टू कम, दिस इज द बालकनी एंड लुक एट द व्यू। आर यू सीरियस? वाओ वाओ मासी वाओ, नेबर्स इधर भी नेबर्स, इधर मासी, इधर मासी नेबर्स, उधर नानी नानू नेबर्स। मेरे पास देखो गाइस, अभी हम लोग निकले लंच करने के लिए, अभी होटल से बाहर ही निकले और इनकी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। ये देख लो, अरे पहले घुस गया दुकानों में यार, हद हो गई यार। ये बच्चों का फन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, इतने मज़े आ रहे हैं इनको, इतने मज़े आ रहे हैं इनको। एक तो मौसम अच्छा है और दूसरा इतने दिनों बाद बाहर निकले हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, ये है भीमसेन पंजाबी ढाबा। सुना है इसके बारे में कि यहाँ पे फ्रेश मटन चिकन ये सब मिलता है, तो चलते हैं यहाँ पे और खाते हैं। तो गाइज हम जा रहे हैं यहाँ पे एक ये कैफ़े पता नहीं रेस्टोरेंट टाइप है, मेन पॉइंट यहाँ, वहाँ पहले वाली जगह पे हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी, यहाँ इन्वर्टर है शायद, तो यहाँ बैठ के आराम से खा लेते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे बैठ रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, ये कैफ़े है और यहाँ पे मेन कोर्स भी अवेलेबल है, तो देखते हैं अभी क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग और क्या खा रहे हैं यहाँ पर। फाइनली गाइज यहाँ पे शाम का मौसम, ये देखो आप भाई साहब, इतना मस्त मौसम है ना यहाँ पे, मज़ा आ गया सीरियसली। Thank you.
करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलता हूँ आपको कल, दिखाता हूँ आपको कल हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है यहाँ पे खाने पीने में, छोटी छोटी जगह पे जाने में, कैफेज इतने अच्छे हैं यहाँ पे और आउटलेट्स अच्छे हैं। तो गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, सेकेंड डे एट मैक्लोडगंज।